मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 11, वाटर, जिसके बारे में हमने रीडिंग की थी आपको। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी जो अर्थ है वो कैसी है, ब्लू प्लेनेट। जो हमारी अर्थ कैसा है, नीला ग्रह है। 3/4 ऑफ आवर प्लेनेट अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। जो हमारी अर्थ है वो किससे कवर्ड है, वाटर से। कितना, 3/4, यानी 3/4 जो भाग है अर्थ का वो किससे घिरा हुआ है, वाटर से। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू सर्वाइव। हम सबको किसकी नीड होती है जीवन जीने के लिए, वाटर की। जैसे इसमें वी नीड वाटर टू कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। आपको पता ही है ना कितनी नीड होती है हमें, वाटर के बिना कुछ है ही नहीं। वैसे ही एनिमल्स आल्सो नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड बाथिंग। प्लांट्स नीड वाटर टू लिव अलाइव, ग्रो एंड मेकिंग फूड। जैसे हमें जरूरत होती है वैसे किसको होती है, एनिमल्स को भी होती है एंड प्लांट्स को भी होती है। ओके, फिर आपको फॉर्म्स ऑफ वाटर के कुछ फॉर्म्स दे रखी थी यहाँ पे, जैसा कि हमने रीडिंग की थी इस चैप्टर में, जो समझ में आया होगा आपको। फिर था आपके प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, मतलब कुछ गुण थे वाटर के, जैसे कि प्योर वाटर होता है वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और उसकी कोई स्मेल वगैरह नहीं होती है ना। फिर इसके हाउ डू द 3 forms ऑफ वाटर डिफरेंट। कुछ जो वाटर है उसकी 3 forms है। फर्स्ट आपकी आती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। ये 3 forms है किसकी, वाटर की। उसके हमने रीडिंग की थी सोर्स ऑफ वाटर के बारे में। रेन के हमने रीडिंग की थी कि रेन क्या होता है, एक मेन सोर्स है फ्रेश वाटर का, जो कि क्या किया जाता है, उसको हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं कहाँ पे, लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में। ओके, ये कलेक्ट कहाँ हो जाता है, इन सब में हो जाता है। जहाँ हैवी रेनफॉल होती है तो रेन वाटर इसमें फिल हो जाता है, लेक्स, पॉन्ड्स एंड रिवर्स में। और कभी कभी अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, किसी किसी कंट्रीज में बारिश नहीं हो पाती है, तो उस वजह से क्या होता है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता है, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है, हमने अंडरग्राउंड वाटर के बारे में भी रीडिंग की थी, तो अंडरग्राउंड वाटर का पता चल गया, ज़मीन में से आता है पानी, जो बारिश का पानी रिस्क कर ज़मीन में जाता है तो और वहाँ इकट्ठा हो जाता है, तो उसकी जो हेल्प, किसकी हेल्प लेते हैं हम, हैंडपम्प की और वेल पम्प की और ट्यूब वेल की, ताकि जो अंडरग्राउंड में जो वाटर है वो इनकी हेल्प से बाहर आ सके। ओके, आज का टॉपिक है हमारे रिवर्स। रिवर्स तो आपने सबने देख ही रखी होगी और रिवर्स के बारे में आपको कुछ तो पता ही होगा ना। तो रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो रिवर्स है वो क्या है, मेन सोर्स है किसका, वाटर का। रिवर्स जो वाटर के क्या है, रिवर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो रिवर वाटर के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत में से एक है। रिवर्स यानी नदियाँ, जो नदियाँ हैं पानी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। द वाटर फ्रॉम स्प्रिंग कलेक्ट टू फ्रॉम स्मॉल स्ट्रीम्स। ये क्या होता है, झरनों का पानी एकत्रित होकर छोटी छोटी धाराएँ बनता है, स्ट्रीम्स, स्मॉल स्ट्रीम यानी छोटी छोटी धाराएं बनता है, किसमें, झरनों से। जो झरनों का पानी कहाँ एकत्रित होता है, कलेक्ट होता है, मतलब एकत्रित होना या इकट्ठा होना, कहाँ पे इकट्ठा होता है, छोटी छोटी धाराएं बनकर इकट्ठा होता है। दिस स्मॉल स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर टू फ्रॉम अ रिवर। फिर क्या होता है, ये जो स्मॉल स्ट्रीम जो है ना, वो मतलब छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक क्या बनती है, नदी बनती है। जैसे आपको दिख रहा है झरनों में से निकल गया, झरनों मतलब जो पहाड़ों में जा रहा है, झरना बह रहा है, तो झरना कहाँ गिरेगा, नदियों में गिरेगा, उससे छोटी छोटी धाराएं बहेगी तो उससे क्या बन गई, एक रिवर बन गई। ओके, रिवर, रिवर्स फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स टू द प्लेन्स एंड देन फाइनली इनटू द सी। फिर क्या होता है, जो रिवर है प्लेन्स यानी जो पहाड़ों से मैदानों की ओर बहती है, जो रिवर है वो माउंटेन्स यानी पहाड़ों से कहाँ की ओर बहती है, मैदानों की ओर यानी प्लेन्स, देन फाइनली इनटू द सी। फिर वो कहाँ चली जाती है, फाइनली इनटू द सी यानी समुद्रों में मिल जाती है। द ग्लेशियर ऑन द माउंटेन दैट फीड्स द रिवर इज इट शोर्स। उसके बाद क्या होता है, जो पर्वत पर स्थित हिमनद है जिसे ग्लेशियर बोलते हैं हम, जो नदी का पोषण करता है। फिर वो क्या है, उसका स्रोत है, रिवर इज इट सोर्स। नदियाँ क्या है, उसका स्रोत है,
द पैलेस वेयर रिवर ज्वाइंस द सी इज कॉल्ड द माउथ ऑफ द रिवर। उसके बाद हमें ऐसे बोलते हैं, जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है, द पैलेस वेयर रिवर ज्वाइन, मतलब जिस स्थान पर नदी समुद्र में मिलती है उसे उसका क्या कहा जाता है, माउथ ऑफ द रिवर, यानी उसका क्या कहा जाता है, मुहाना कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट लाइन, द रिवर दैट आर फॉर्मेड फ्रॉम द मेल्टिंग स्नो ऑन द हिमालय माउंटेन आर नो एज परिनल रिवर। अब क्या होता है, हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनने वाली, द रिवर फॉर्म फ्रॉम द मेल्टिंग, यानी जो बर्फ जो पिघलती है माउंटेन हिमालय पर्वत पर, हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ के पिघलने से बनने वाली बारहमासी नदियों के रूप में जानी जाती है। किसके रूप में जानी जाती है, बारहमासी नदियाँ, जिसे हम बोलते हैं परेनल, क्या बोलते हैं, परेनल रिवर्स, यानी बारहमासी नदियाँ। क्योंकि क्या होता है, स्नो गिरती है हिमालय पर, फिर हिमालय का बर्फ भी तो मेल्ट होता है, स्नो क्या होती है वहाँ पर मेल्ट होती है, फिर जब वो मेल्ट होती है तो कैसा हो जाती है, नदियों का रूप ले लेती है, तो वो नदियाँ कैसे मिल जाती है, मतलब वो रिवर्स जिसे हम बारहमासी नदियाँ जान देते हैं, जैसे कि यमुना, गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र आर सच रिवर्स। ये क्या है, कुछ नदियों के नाम दे रखे हैं, यमुना, गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र आर सच रिवर्स। दिस रिवर्स हैव वाटर ऑल थ्रू द ईयर। फिर इन जो रिवर्स का जो रिवर है वो इनका जो पानी है वो कैसा रहता है, साल भर इनमें इनका पानी रहता है, वाटर रहता है, मतलब द रिवर ऑफ पेंसुलर इंडिया सच गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा गेट वाटर ओनली फ्रॉम द रेन्स। अब कुछ नदियों के नाम और दे रखे हैं, जैसे कि प्रंसनल, जो नदी हमारे जो प्रायद्वीप हैं हमारे इंडिया में, प्रंसनल जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी नदियाँ कौन सी है, गोदावरी, कावेरी एंड कृष्णा। तो ये जो तीनों नदियाँ हैं रिवर से, वो क्या करती है, जो पानी कैसा रहता है, गेट वाटर ओनली फ्रॉम द रेन्स, इनमें मतलब जो ये जो रिवर्स है इनमें ना अपना पानी नहीं होता है, इनका जो वाटर होता है कहाँ से आता है, रेन से, कहाँ से आता है, जब बारिश होती है तभी नदियाँ भर जाती है, वरना सूखी रहती है। ओके, दे आर आल्सो कॉल्ड सीजनल रिवर्स और नॉन, हाँ, सीजनल रिवर्स और नॉन परेनल रिवर्स। अब इन्हें क्या कहा जाता है, सीजनल रिवर्स कहा जाता है, क्योंकि इनका जो पानी होता है ना वो, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, यानी मौसमी नदियाँ या फिर गैर मासी नदियाँ कहा जाता है। ओके, समझ में आया आपको, ये जो हिमालय है ना, ये तो हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलने से बनने वाली बारहमासी नदियों के रूप में जानी जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परेनल रिवर्स। ओके, कुछ नदियों के नाम थे, यमुना, गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो इसमें तो क्या रहता है, एवरी ईयर क्या रहता है, वाटर रहता है, बट जो कुछ जैसे नदियाँ दे रखी थी आपको, गोदावरी, कृष्णा एंड जो कावेरी है, उसमें क्या होता है, रेन यानी बारिश का पानी, उसमें बारिश के पानी से उसमें पानी मिलता है, और उनको हम क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्स या नॉन परेनल रिवर्स, यानी उनको मौसमी नदियाँ बोलते हैं या फिर गैर बारहमासी नदियाँ कहा जाता है। ओके, फिर आप क्या आता है, ओशन एंड सीज, मोर देन टू थ्री, सॉरी, मोर देन टू थ्री ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ सॉल्ट वाटर। अब जो अर्थ है उसका टू थ्री यानी दो तिहाई जो भाग है ना, वो किससे कवर्ड है, सॉल्टी वाटर यानी खारे पानी से ढका हुआ है। सॉल्टी वाटर इज कलेक्ट इनटू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक ओशंस एंड सीज एंड इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। ये क्या होता है, ये जो खारा पानी होता है ना, सॉल्टी वाटर, वो कहाँ, जैसे कि खारा पानी महासागरों और समुद्रों जैसे गवर्न ओशन सी महासागर और समुद्रों जैसे जलाशयों में एकत्र हो जाता है। जो सॉल्टी वाटर होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, ओशन एंड सी में, ठीक है, कलेक्ट हो जाता है, और जो क्या होता है, नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पीने के योग्य नहीं होता है। दे आर फाइव ओशन इन द वर्ल्ड। अब आपको कुछ ओशन दे रखे हैं, हमारे वर्ल्ड में पांच महासागर है, वो कौन कौन से है, तो देखो नेक्स्ट पेपर आपको टर्न करना है।
तो दे रखा है आपके पास प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका सॉरी प्रशांत ओशन, इसको हम प्रशांत बोलेंगे, ओशन अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड अंटार्कटिक ओशन, ये फाइव आपके क्या दे रखे ओशन से ही महासागरों के नाम है। फर्स्ट आता है आपके प्रशांत महासागर, फिर आपके आता है ठीक है, फर्स्ट आता है आपके प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। असी इज स्मॉलर देन एन ओशन, ये क्या है महासागर से छोटा है। एक समुद्र क्या होता है सी जो होते हैं वो स्मॉल किससे होते हैं ओशन से, समुद्र क्या होते हैं छोटे होते हैं, जो महासागर होते हैं वो बिग होते हैं। ओशन से आपने देख रखा है सी, तो ये देखो ये होते हैं ओके, जो महासागर होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं और जो सी होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, मतलब जो समुद्र होते हैं वो छोटे होते हैं किससे ओशन से। फिर आपके आता है स्टोरिंग वाटर, अब हम वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं उसके बारे में ओके। तो देखो थॉट रैन इज द मजू सोर्स ऑफ वाटर इन डज नॉट रैन थॉट आउट द ईयर। अब क्या होता है हालांकि बारिश का पानी क्या होता है रेन का वाटर क्या है प्रमुख स्रोत नहीं है, लेकिन साल भर बारिश नहीं होती है। अगर देखो साल भर इसमें लिखा ना थ्रो आउट द ईयर, देखो अब इसमें बता रखा है ना रेन, वो मतलब जो रेन है उसका पानी ही काफ़ी नहीं है, अब कभी बारिश भी नहीं होती है साल भर, तो क्या होता है फिर देखो वी नीड टू स्टोर एंड कंजर्व वाटर। फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें पानी को क्या करना चाहिए स्टोर करना चाहिए ठीक है, उसका क्या करना चाहिए जो हमें जैसे कभी कभी बारिश नहीं होती तो अब क्या होता है कभी कभी पानी की कमी हो जाती है, तो हमें अब जो वाटर की तो नीड होती है तो हम उसको कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो वी नीड टू स्टोर हम क्या कर सकते हैं जो रेन जब बारिश होती है तो हम उसका वाटर क्या कर सकते हैं हम उसको स्टोर कर सकते हैं, पानी को क्या कर सकते हैं वाटर को संरक्षण करना चाहिए। जैसे कि दिस इज डन बाय बिल्डिंग डैम्स रिजर्वायर्स एंड कंसेनल्स, जो कि क्या होता है बांधों जलाशयों नहरों के निर्माण द्वारा हम कर सकते हैं। दिख रहा क्या नहीं ये बांध है ये तालाब जैसे और किसके नहरों द्वारा हम इसका निर्माण कर सकते हैं। अ डैम इज अ वेल बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द फ्लो ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है जो बांध पानी के बांध नदी के पानी के प्रवाह को रोकने के लिए नदी के पार बनाई गई दीवार है। इट हैज़ स्पेशल गेट्स दैट कैन बी ओपन टू और क्लोज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द वाटर, इसमें विशेष द्वार है जिन्हें पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए खोला या बंद किया जाता है। आपको दिख रहा है बांध जब इसमें पानी ज़्यादा आ जाता है तो इस बांध को खोल दिया जाता है ओके, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बांधों को क्या किया जाता है खोल दिया जाता है ताकि उनका पानी कहाँ चला जाए नहरों में चला जाए। अ कैनल इज बिल्ट टू टेक वाटर टू एरियाज वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। फिर क्या होता है जब पानी इनका जब ज़्यादा पानी इसमें भर जाता है तो इन पानी के जो बांध को खोला या बंद किया जाता है। इस पानी का उपयोग हम क्या करते हैं किस लिए यूज़ करते हैं हम इसको बिजली बनाने में ठीक है, क्योंकि जो वाटर होता है उसकी क्या बनाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस पानी का उपयोग बिजली पैदा करने खेतों की सिंचाई और घरेलू काम करने में किया जाता है ओके। द वाटर इज यूज मैंने पढ़ाया था आपको जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इरिटेड फील्ड एंड फॉर डोमेस्टिक प्रपोज टू, जैसे कि मैंने बताया इसमें आपको क्या किया जाता है फर्स्ट आपके इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में किसका वाटर का यूज़ होता है, फिर आपके आता है जो हमारे खेतों में सिंचाई की जाती है उसके लिए यूज़ आता है डोमेस्टिक प्रपोज यानी जो घरेलू काम होते हैं उसके लिए। फिर कैनल इज बुल टू टेक वाटर टू एरिया वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर, उसके बाद क्या किया जाता है जब पानी की कमी वहाँ पानी को पहुँचाने के लिए जहाँ पानी की कमी होती है ज़रूरत होती है जिसे उस सिटी में क्या किया जाता है नहरों द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। इट इज़ चैनल ऑफ वाटर टेकन आउट फ्रॉम अ रिवर और अ लेक एंड इज यूज बाय द फार्मर्स टू इरीगेट द फील्ड्स, फिर क्या किया जाता है
यह नदी वाटर टेकन रिवर एंड लेक, नदी और झील से निकले गए पानी का क्या होता है, एक चैनल होता है। क्या होता है? चैनल होता है किसका? रिवर एंड लेक से निकले जो पानी उनका एक चैनल होता है जो किसानों द्वारा, फार्मर्स यानी किसानों द्वारा कहाँ किया जाता है, खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। इरीगेट द फील्ड्स, मतलब किसान क्या करते हैं इस पानी को सिंचाई के लिए उपयोग करते हैं। ड्रिप सर्विस वायरस आर आर्टिफिशियल ऑफ मैन और मैन मेड लेक्स बुल्ट बिहाइंड अ डम टू स्टोर द ब्लॉकेड वाटर ऑफ रिवर्स। फिर जो क्या होता है, जलाशय क्या है, एक मानव निर्मित है, आर्टिफिशियल है। किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया है, ठीक है, जिन्हें बांध के पीछे बनाया जाता है। जो हमारे जलाशय हैं ये क्या है, कृषि में मानव निर्मित झीलें हैं जिन्हें बांध के पीछे बनाया जाता है ताकि अवरुद्ध, जो कि पानी का जो अवरुद्ध संग्रहित किया जा सके नदियों में, ठीक है। ये कहाँ बनाया जाता है? बांध के पीछे बनाया जाता है ताकि वहाँ जो वाटर है उसको इकट्ठा स्टोर किया जाए। ओके, जब पानी कमी होती है तब इनका यूज़ किया जाता है। समझ में आया आपको? तो ये देखो आपको दे रखे है कुछ, ये दे रखी है नहर, ये तालाब दे रखा है और ये बांध दे रखा है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। आज आपको यहाँ पर जो देखो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर रखे हैं, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर, जैसे वाटर कैसा होता है, लिक्विड लिक्विड, फिर हम उसको क्या कूल से जमाएंगे तो उसकी क्या हो जाएगी, आइस बन जाएगी। तो आइस ही आपको लिखना है। फिर वाटर लिक्विड है, फिर हम उसको हीट करेंगे, हीट करने पर उस पर क्या निकलती है, गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, ठीक है, तो आएगा वाटर वेपर, जल वाष्प निकलती है उसमें से। आइस है, जम चुकी है, मेल्ट करेंगे हम उसको तो वो कैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगी। तो वाटर आपको यहाँ पर फिल करना है, वाटर वेपर है। फिर जो हम उसको क्या करेंगे, थोड़े ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल वाटर में चेंज हो जाएगा। तो लिक्विड है तो आपको यहाँ वाटर लिखना है। ओके, ये आपको फिल करने हैं। फिर आपके आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, जैसे कि उसके तीन गुण थे वाटर के, तो ये आपको ये करना है। प्योर वाटर इज कलरलेस, जो कि जो प्योर वाटर होता है वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। तो ये आपके फर्स्ट का आंसर है। ओके, एंड सेकेंड आपसे पूछ रहा है, वॉट आर द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के थ्री फॉर्म्स कौन सी थी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ये आपको थ्री फॉर्म्स लिखनी है। हाउ द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर डिफरेंट, जो आपके इंडेक्स बनी हुई थी ना, मतलब ये देखो ये ब्लॉक बना हुआ है, तो ये आपको पूरा करना है। पहले सॉलिड का लिखना है, फिर लिक्विड का लिखना है, फिर गैस का लिखना है। ओके, किसका कोई शेप नहीं होता, मतलब फिक्स शेप होता है सॉलिड का, तो लिक्विड का कोई शेप नहीं होता, गैस का भी कोई शेप नहीं होता है। तो ये जो है आपके वो आपको ये करना है, थर्ड का आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ देखो, व्हाट आर पेरिनल रिवर्स, जो पेरिनल रिवर्स के बारे में पूछा था, तो ये रहा, तो ये आपको फोर्थ का आंसर है यहाँ। ओके, ये थ्री लाइन्स जो है ना आपकी, ये नहीं आएगा। तो देयर आर रिवर्स हैव वाटर ऑल थ्रू द ईयर, मतलब इसमें जो पानी रहता है वो बारहमासी रहता है, तो ये आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, हाउ इज़ द वाटर स्टोर एंड कंसेप्ट, अब हम वाटर को कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो आपको स्टोरिंग वाटर वाला जो ये है ना, ये आपको करना है कि हम किस तरह से वाटर को स्टोर कर सकते हैं, तो इसमें से आपको लिखना है। तो ये जो दे रखा है ना आपके, ये आपके फिफ्थ का आंसर है। ओके, फिर आता है आइस, जो कि मैंने बताया था आइस वाटर की कैसी फॉर्म है, सॉलिड ठोस है, ठीक है। व्हेन वाटर इज हीटेड इज चेंज टू, जब वाटर गर्म होता है उसमें से जल वाष्प निकलती है तो हम उसे बोलते हैं वाटर वेपर। ओके, रेन जो क्या था, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर होता है रेन, ठीक है। और पेरिनल आएगा आपके जो थ्रू ऑल थ्रू द ईयर, मतलब हर बारहमासी रहती है, इसमें पानी बारहमासी रहता है। अ कैनल इज बिल्ट टू टेक वाटर टू एरियाज वेयर देयर, फिर क्या होता है, जब पानी कमी होती है तो वहाँ नहरों द्वारा पानी पहुँचाया जाता है। फिर ट्रू एंड फॉल्स, रेन इज़ द नॉट मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन जो है वो वाटर का मेन सोर्स नहीं है, तो फॉल्स आएगा क्योंकि उसमें नॉट आया है। ओशंस एंड सीज हैव सॉल्ट वाटर, यस, क्योंकि उनका जो ओशंस एंड जो समुद्र महासागरों का वाटर कैसा होता है, सॉल्ट यानी खारा होता है, तो ट्रू। डम्स रिवर्स एंड कैनल्स स्टोर वाटर, अब हम कैसे वाटर को स्टोर कर सकते हैं, बांध के द्वारा, नहरों के द्वारा और तालाबों के द्वारा, तो ट्रू।
नेक्स्ट है आपके दम सारा आर्टिफिशियल और मैनमेड लेग्स जो बांध है किसने बनाया, मानव ने या प्रकृति में, तो ट्रू। वॉल्स, हैंड पंप्स एंड ट्यूब वेल्स आर यूज टू टेक आउट अंडरग्राउंड वाटर, ट्रू। ठीक है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को हम किस हेल्प से निकालते हैं, वॉल्स, हैंड पंप एंड ट्यूब वेल से। ओके, तो ट्रू करना है। अब आपको नोटबुक में पहले तो सारा बुक में फिल करना है, उसके बाद जो बी और सी है वो आपको नोटबुक में भी करने हैं। ओके, नेक्स्ट ये देखो, एक्सप्लेन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जो रेन वाटर के द्वारा हम पहले रेन वाटर मतलब हम कहते हैं ना मतलब बारिश का पानी कलेक्ट करके हम किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं, तो ये देखो आपको ये एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। तो आप उसको पूरा पहले इसको पहले जो आपकी पिक्चर है उसको अच्छे से देखोगे, उसके बाद उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे और मैं सबका ये चेक करूँगी। ओके, ये आपको फिल करके सेंड करना है। ओके, समझ में आ गया और नहीं आया फिर मैं बताऊँगी। ओके, हमारी क्लास यहीं ओवर होती है, आपको अपना सारा वर्क अच्छे से करना है, साथ में लर्न करना है। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।